नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं और जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट में हो वो क्या चाहते हैं, क्या वो एक्शन लेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 27 से लेके 3 अक्टूबर तक की। 27 सितंबर से मतलब आज से लेके 3 अक्टूबर तक की जो वक्त है इसको आप खुद के साथ इस वक्त को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो इस रीडिंग को। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के लिए नहीं, जितना भी आपके साथ जाता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पहले देखेंगे कैप्रिकॉन आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन अभी एक नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है, रिस्क लेना चाहते हैं रिश्ते को लेके, रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये बहुत ही यंग एनर्जी में है और मतलब एज कितना भी हो लेकिन इनके मन में जो है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है रिश्ते को लेके, और ये रिश्ते के बारे में नया कुछ सोचने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है आप लोग महीनों से बात नहीं कर रहे हो या फिर सालों से या फिर हफ्तों से, तो ये अभी और रुकना नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगिनिंग, द एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्स, इनके पास अभी रिश्ते के बारे में पूरी क्लैरिटी है। ये चाहते हैं रिश्ते को लेके जो भी परेशानी था वो ख़त्म करना, रिश्ते की परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग नया शुरुआत करना, क्योंकि इनको लगता है इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये आपकी प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। करंटली ये तो और भी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आप जो हो, चाहे आप लेडी हो या जेंट्स हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आप में वो अट्रैक्शन पावर है कि आप किसी को भी खुद की तरफ खींच सकते हो, कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। आप इतने हैंडसम या ब्यूटीफुल हो कि ये हमेशा आपके बारे में ही सोचता रहता है ये इंसान, और इनको लग रहा है कि ये आपके बारे में जो भी गलत सलत सोच रहे थे ये गलत था। इनको क्लैरिटी मिल गई है, ये और देर नहीं करना चाहते हैं। और एक बात, हो सकता है ये इंसान आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है। ये आप जेंडर पे भी मत जाइएगा, कहीं रहता है रहती है इस पे मत जाइए, आपको पता है। ये इंसान हो सकता है आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करता है क्योंकि इनको सब पता है कब आप ऑनलाइन आते हो, कब आप ऑफलाइन होते हो, कौन सी फ़ोटो आपने अपलोड की, आप कहाँ गए, दोस्तों से कहाँ मिलने गए, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ये आपको स्टॉक करता रहता है। और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है करेंटली। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं, देख लेते हैं ये इंसान चाहता क्या है। कैप्रिकॉन, फोर ऑफ सोर्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, ये रात को सो नहीं पा रहा है, ये प्रेयर कर रहा है भगवान से, अल्लाह से, गॉड से कि मुझे इनके साथ दोबारा से रिकॉन्सिलेशन करवा दीजिए। उनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, इन्होंने आपको गलत सलत बोल दिया, आपके साथ मिसबिहेव किया, तो ये चाहते हैं रिकॉन्सिलेशन करना।
द हायरोफेंट का कार्ड आप खुद ही देख लीजिए, ये अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि जो करना होगा अभी ये भगवान कर सकते हैं। जस्टिस का कार्ड, ये जस्टिस चाहते हैं, अपने खुद के साथ न्याय हो ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि रिश्ते को बैलेंस किया जाए। ये जो रिश्ता डिसबैलेंस हो रहा है, रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट, ये जो भी परेशानी आ रहा है, ये सारी परेशानी ये ख़त्म करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, कितने बार कहूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान रिश्ते में नई शुरुआत तहे दिल से चाहता है, क्योंकि उनको पता है आप दोनों मिलके फिनेंस भी सही कर सकते हो। अपने रिश्ते में प्यार है, इस रिश्ते में ग्रोथ है, मैंने पहले ही कहा फर्टिलिटी है, ये आपको अपने बच्चों की माता या पिता के रूप में देखता है। अगर आप शादीशुदा हो तो पता, आपको पता ही है, अगर नहीं है, अगर आप किसी अलग रिश्ते में भी हो या फिर लव रिलेशन में हो, तो भी ये इंसान आपको अपने दिल के बहुत करीब, परिवार जैसा, और आपके साथ मतलब रहना उनके लिए बहुत हैप्पीएस्ट एनर्जी है। ये चाहते हैं कि ये पूरी वक्त आपके साथ रहे, जो गलत हुआ, जो परेशानी आई, जिस भी कारण से रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट आया है, ये सारी चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। और इनको लगता है कि अगर ये रिश्ता ये निभा पाए सही तरीके से, तो पूरी जो गलत उन्होंने किया था या फिर हुआ था, वो सारा माफ़ हो जाएगा। इसीलिए ये भगवान से भी प्रेयर कर रहा है, ये जस्टिस चाहता है खुद के साथ, और आपके साथ भी जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है, उनको अभी ये पता है, ये खुद को हील भी कर रहा है कि मुझसे गलती हुआ है, मैंने गलत किया है, इन्होंने तो उतना मेरे साथ खराब बिहेवियर नहीं किया है, लेकिन मैंने इनके साथ बहुत गलत किया है, अभी ये समझ रहे हैं। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा, अभी देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये अभी सिर्फ अपने बारे में नहीं, अभी ये रिश्ते के बारे में सोच रहा है और ये एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है। हो सकता है ये आपसे मिलने ही चले आए, या फिर अगर बहुत दूर रहता है तो ये आपको ऑनलाइन भी टेक्स्ट कॉल मैसेज कर सकता है। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये इंसान थोड़ा दुविधा में भी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये हो सकता है ये पैसों के लिए बाहर रहता है किसी किसी के लिए, आपके पर्सन, देखिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये थोड़ा परेशान है, हो सकता है कि ये पैसे कमाने के लिए दूर रहता है। किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है ना, बहुत सारे लोगों की एनर्जी मैच कर जाता है। कोई कोई है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, जो बाहर रहते हैं पैसे कमाने के लिए, इसीलिए ये इंसान एक्शन लेना तो चाहते हैं। जो लोग नज़दीक रहते हैं वो आके मिलने के बारे में सोच रहा है, और जो दूर रहते हैं वो चाहकर भी रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने दिमाग को किसी भी तरह से ये खाली नहीं रख पा रहा है आपके सोच से, मतलब हमेशा सोच रहा है और सोचेगा, क्योंकि ये उतने दिनों की एनर्जी है। लेकिन ये थोड़ा दुविधा में भी रहेगा ये इंसान, कि जॉब को मतलब एक्सटेंड करके या छुट्टी लेके या फिर किस तरह से ये चले आएंगे, क्योंकि ये तो मेहनत कर रहा है पैसों के लिए, तो फिर ये आएंगे कैसे, कुछ के लिए ये दुविधा होगा। आना तो चाहते हैं लेकिन ये आ नहीं पाएंगे, लेकिन टेक्स्ट कॉल मैसेज के माध्यम से ये आपसे बात करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, और आपसे ये कहेंगे भी, जो लोग शादीशुदा नहीं है वो ये भी कहेंगे कि जो लोग शादीशुदा है वो, उनको पहले परिवार के लिए मेहनत करना, पैसे कमाना, ये मेहनत से पैसे कमाना चाहते हैं, इसीलिए मेहनत कर रहा है, लेकिन ये आपको नहीं भूल पा रहा है। और जो शादीशुदा नहीं है वो भी फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, इसीलिए पहले उनको ये लगेगा, क्योंकि टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, ये दुविधा में है क्या करे, जॉब से छुट्टी लेके मिलने जाए या फिर पैसे
ना कमाए, पैसे के पीछे ना दौड़े, क्या आपसे मिले, क्या करेंगे, ये थोड़ा इन दिनों कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन ये जो भी करेंगे, जो जो भी काम कर क्यों ना करे, हमेशा ये आपके बारे में सोचते रहेंगे। और जो मेहनत कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहा है, वो परिवार के लिए ही कर रहा है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। प्यार तो बहुत उछल रहा है। यूनिवर्स ही आपसे यही कह रहा है, कार्ड देख लो पहले, द टावर के कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। यूनिवर्स ही आपसे यही कह रहा है कि अचानक से कोई डिसीशन मत लीजिए कि काम छोड़ के चले आए, जॉब छोड़ के चले आए, काम पे ना जाए, रो रो के बुरा हाल, काम को डिस्टर्ब करना। यूनिवर्स ही आपसे यही कह रहा है, इस तरह का कोई भी हरकत मत कीजिए। फिनेंशियली पहले स्ट्रॉन्ग बनिए, स्टेबल बनिए, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आइए। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, अगर नहीं हो तो भी, शादी करना चाहते हो, रिश्ते में जाना चाहते हो, जो भी, आपको पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए आपके पास। विथ स्टेबिलिटी आपको रिश्ते में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से आदम के सब छोड़ छाड़ के, मतलब जो लोग दूर रहते हो और लोग जो पास भी रहते हैं लेकिन काम पर नहीं जा रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। रिश्ता तो है, ये एक सॉलिड रिश्ता है, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, लेकिन आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ही रिश्ते में आना पड़ेगा। जल्दबाजी से ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए कि बाद में आप ही को इसको लेके परेशान होना पड़े और आप फिर से पछताने लगो कि क्या मुझे क्या ज़रूरी है, पैसा या प्यार। काश मैं पैसा कमा के फिर आता, क्योंकि बार बार ये पैसे के मामले आ रहे हैं, तो पैसा तो इस रिश्ते में ज़रूरी है ही है। हो सकता है आप खुद भी ये सोच रहे हो कि हाँ, अगर वो आते हैं पैसे लेके आए, तो इस तरह से यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आए, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो कि बाद में आप ही को पछताने पड़े। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लिब्रा हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो हो भी सकता है, ये बहुत होने के चांसेस है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, 12 के 12 राशि हो सकते हैं, जिस भी राशि के हो, एनर्जी तो यही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।